हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन ब्रो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस से व्यूअर को तो बोल दे हैप्पी होता है यार, मैंने भी बोला ना स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा पॉज लिया था इंडिपेंडेंस डे क्योंकि अचानक से बोलने पे अजीब सा ही निकल रहा था। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थोड़ा पार्क चलते हैं और ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट क्या लिखा हुआ, इट इज़ नॉट फ्री, इट कॉस्ट सोल्जर इंडिपेंडेंस डे। बालनोई का बंदा है, बहुत पढ़ाई करता था। बालनोई इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर NDA प्रिपरेशन। बिल्कुल गलत बात है। सही बात है भाई, सही बात है, कोई मत जान भाई बालनोई। मैं बताता हूँ, पांच नहीं तीन बंदों में से एक बंदा बालनोई का मिल जाएगा। बंदा कहने का मतलब सोल्जर, आर्मी नेवी एयरफोर्स। NDA के नाम पे सोल्जर बना रहे हैं ये लोग। नहीं NDA में बताओ ना। नहीं नहीं बालनोई वाले वो रास्ता दिखा देते हैं, मतलब रोड मैप कैसे हमें तैयारी करनी है और कैसे ज्वाइन करना है। मैं भी गया था बालनोई में, रटवाते हैं। सही बात है, सबसे घटिया कॉलेज लगी कॉलेज नहीं सही है यार, मैंने लिया था 30 दिन का कोर्स। और कौन सा तुमने क्रैक कर दिया बता? क्रैक नहीं किया, बस थोड़ा सा रह गया, मतलब रह गया ना सही एक नंबर से। वेट नहीं नहीं वो चीज़ बताता हूँ भाई, साइंस बैकग्राउंड से है और बालनोई में मतलब NDA का सिलेबस जो होता है उसमें 7 से 8 सब्जेक्ट होते हैं, सारे इकोनॉमिक्स वगैरह हर चीज़ रहता है। अब देखो 11th 12th जिसने साइंस से किया उसको ना ज़्यादा अंदाज़ा है इकोनॉमिक्स का, पॉलिटिक्स का, हिस्ट्री का, वो कैसे अचानक से दे देगा। फिर एक और महीने साइंस मत पढ़, बाकी सब्जेक्ट पढ़। हाँ तो वही तो अभी तो वही अभी चल रहा है, प्रिपरेशन चल रहा है, 12th ख़त्म हो गया। आ गया और ये भाई साहब स्कूल के बाद IIIT में चले गए, चलते हैं अपना। ये बालनोई में जाना है फिर से? नहीं बालनोई में यार पैसा बहुत लगता है, वो पैसे बहुत लेते हैं। कितना फीस तो बताएं इनको? फीस भी बताऊँ ऐसे तो नहीं पता सबका, SSB वालों का, लेकिन जो रिटर्न वाले जाते हैं रिटर्न के लिए उनके लगता है एक महीने का 23,000। बहुत ज़्यादा है एक महीने का 23,000। हाँ तो भाई पैसे ले रहे तो उस टाइप का वो पढ़ाते हैं भैया। स्ट्रेंथ 35 से 40 के करीब, तीन वही थे क्या फ्रेशी? हाँ सारे 12th के पास, मतलब 12th पास वाले। उसे पता है क्या था, जहाँ मैं जाता था उसकी फ़ीस थी 8,000 पर मंथ, और जो मतलब स्टेट से सिलेक्ट होके आते हैं तगड़े तगड़े बच्चे NCC के, उनके साथ हमारी क्लास होती थी, उनके साथ हमारा डिस्कशन होता था। रिटर्न या SSB? हर चीज़, क्लास भी उनके साथ, SSB उनके साथ। नहीं नहीं फीस का जो 8,000 पर महीना है, और खाना भी मिलता था दोपहर में वो तो वहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं उनको मिलता है या सबको? उनके साथ हम भी चले जाते। नाम क्या इंस्टीट्यूट का? अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि पेड सारी भीड़ उधर चली जाएगी। नहीं पेड प्रमोशन, मतलब पहले वो इंस्टीट्यूट वाले हमें पैसे देंगे फिर हम बताएंगे, बट मैंने तो बता दिया, टाइम आने पे बताऊंगा, अभी टाइम नहीं है। हाँ और एक और चीज़, ये NDA में क्या होता है, एलिमिनेशन होता है, इसमें ये सिलेक्शन वाला नहीं है, इसमें एलिमिनेट ज़्यादा करते हैं। अरे टेम्पर लगवाया था पर उसने गलत लगा दिया। अच्छा तो मैं दूसरा लगवाऊंगा इसको हटा के। कितने में लगाया? 60 में टेम्पर। हाँ हाँ नहीं, फ़ोन का तो दूसरे फ़ोन का चिपका दिया इस पर। अच्छा कर निकल सर। Yes, yeah, yeah, yeah.